रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गोपलापुर इलाके में कुछ दिनों पहले दबंगों द्वारा फिल्मी स्टाइल में असलहा लहराते हुए चौराहों पर भोकाल बनाते हुए फोन पर किसी शख्स को धमकी देते हुए वीडियो को गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया था। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक अभियुक्त को पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं फरार चल रहे दूसरे अभियुक्त विपुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र जय सिंह प्रसाद निवासी बेतिहाता हरिजन बस्ती थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, अभी कुछ दिन पूर्व एक रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में गोपलापुर मोहल्ले में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लहराता हुआ और एक व्यक्ति गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसमें पिस्टल लहराता हुआ व्यक्ति, जिसका नाम अनुज था, उसको गिरफ्तार करके पहले जेल भेज दिया गया था। आज दूसरा व्यक्ति जो किसी फ़ोन पर गाली गलौज करके लोगों पर दहशत फैला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। आज उसको जेल भेजा जा रहा है। सर क्या करता था ये? ये बेसिकली कुछ नहीं करता, इसके पिता रेलवे में है, ये पहले वेटर का भी काम करता था और कोई विशेष काम नहीं करते। लोग ऐसे टाइम बीच बीच में जो काम मिल जाता छोटा मोटा कर लेते हैं, कोई भी स्थायी कार्य ये सब नहीं करते हैं। कोई आपराधिक इतिहास अभी इनका पता किया जा रहा है, जो पहले गया था उसका 3 आपराधिक इतिहास थे, इसके बारे में भी पता किया जा रहा है।